विगत दिनों बारिश के बाद महानगर के विभिन्न हिस्सों में जलभराव की स्थिति को देखते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने शनिवार को जलभराव की समस्या को देखते हुए नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाला सफाई अभियान का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही भरवलिया बुजुर्ग के पंचवटी नगर का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से वार्ता कर समस्या के निस्तारण के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि महानगर में कुछ कॉलोनियों में लोगों के खाली पड़े प्लॉटों की वजह से आसपास के क्षेत्रों का जल निकासी नहीं हो पाता है। ऐसे खाली प्लॉटों के मालिकों को नगर निगम की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में नालों की सफाई व्यवस्था भी कराई जा रही है, जिससे जल भराव ना होने पाए। इस मौके पर अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला, सफाई सुपरवाइजर एवं नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, पानी निकालते थे बाद सफाई कर्मी इलेक्ट्रिक मोटर चलाते थे, हमने तो उनका सरकारी भुगतान भी नहीं लेते थे भाई, सफाई कर्मी थे, इलेक्ट्रिक मोटर था और डिलीवरी पाइप सेक्टर लगा चला लेते थे, यहाँ लगाते हाँ साफ कर लेते थे परमानेंट चीज़, सुबह आए शाम तक रहें। इलेक्ट्रिक मोटर हमने खरीद रखा हुआ है, लेकिन अगर उस समय ग्राम पंचायत में था तो कायदे से तो इसको तो पूरा डेवलप करा दें। नहीं, सब बधवाए हुए हैं, लेकिन कहीं से धन आवंटित नहीं हो पाया, बहुत प्रयास किया, ये समस्या भी बहुत एकदम गंभीर भी यहाँ पे हल नहीं दिखते हैं। जी मुझे लगता फंड है, आपको क्या करना है वो सोच रहे हो पहले से? बस सर हम लोग सोचे हैं, और बल्कि हमने तो भेज दिया, मुझे आज भी मॉर्निंग में माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, बहुत जल्दी आप बताओगे तो हमको जो फंड आ रहा है इसके क्या होता है जी, जो मतलब ऐसा नहीं कई जगह जैसे होता है कि एक छोटा नाला बन रहा 2013 से, वो पता चला फिर एक चीज़ आपके यहाँ बन रही 2006 से, हम वो सब नहीं चाहते बिल्कुल स्पष्ट बताऊँ। क्षेत्र में निरीक्षण किया है, किस तरह के दिशा निर्देश क्या क्या? जो पिछले कुछ दिनों से जो गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में या गोरखपुर जनपद में जो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है, उसकी वजह से नगर निगम के कई क्षेत्रों में या कह लीजिए कि जनपद के कई जगहों पर जो है वाटर लॉगिंग की समस्या खड़ी हो गई है। उसी के तहत हम लोग यहाँ पर जो भरवलिया क्षेत्र है वहाँ पर आए हुए हैं वाटर लॉगिंग को देखने के लिए। यहाँ पर मेन सड़क में और आसपास जो है पानी लग गया है सड़कों पर, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसका हम लोगों ने ये निदान निकाला है कि अभी हम लोग यहाँ पर जो है एक तत्काल जो है इलेक्ट्रिक पंप लगवा देंगे और पूरे पानी को खींच के नाले में डाल के उसको ड्रेन आउट कर देंगे, तो मेरे ख्याल से 24 से लेकर घंटे में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से ऐसे यहाँ पे प्लॉट हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, गड्ढे के शेप में हो गए हैं, और जो उसके ओनर हैं उन्होंने कोई भी उसकी केयर ना करते हुए केयर नहीं किया है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा पानी इकट्ठा होकर जलकुंभी वगैरह सब इकट्ठी हो गई है, और उसकी वजह से भी एक पानी को एकत्र होने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित रूप से मैं यहाँ के जो लोगों से उन लोगों का एड्रेस लूँगा, उनसे उनके उनको नोटिस जारी भी की जाएगी कि तत्काल वो जो है अपने अपने प्लॉटों की रक्षा स्वयं करें, अन्यथा की स्थिति में उनके विरुद्ध जो है, क्योंकि कोई भी अगर बीमारी फैलती है या कुछ होती है तो निश्चित रूप से जिम्मेदार होंगे, और जो दैवीय आपदा अधिनियम है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभिन्न क्षेत्रों में नालों की भी सफाई हो रही है? हाँ, नालों की चूंकि कुछ जगहों में जो बताया गया, जैसे राप्ती कॉम्प्लेक्स में कहा गया या अन्य जगहों में जो कहा गया, मतलब देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर उन्होंने कहा कि सब पानी जो इस बार बारिश हो रही थी तो वहाँ पर कहीं पर ब्लॉकेज, जहाँ जहाँ ब्लॉकेज की समस्या आ रही है उसको हम लोग वहाँ पर सफाई करा रहे हैं, सफाई करा के उसको क्लीन करा दे रहे हैं, जिससे कि पानी को बहने में कोई रुकावट ना हो। देखिए, एक बड़ा कह कि पानी एक नेचुरल जो है उसको अगर एक उसका नैसर्गिक रास्ता नेचुरल अपने उसका बहाव का रास्ता नहीं दोगे तो सवाल उठ रहेगा, कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना,
और होता क्या है कि जितने भी हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसा आप भी जानते हो कि जो गोरखपुर जनपद में पूरा चारों तरफ से गोरखपुर जनपद जो है वो जो पोखरे तालाब प्राकृतिक झीलों उनसे घिरा हुआ है। एक यहाँ पर देखिए जो रामगढ़ ताल है, इतनी बड़ा जो 43-45 एकड़ का जो फैली हुई झील है, उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत से पोखरे और तालाब थे जहाँ पर कि पहले बरसात का पानी जो होता था वो एकत्र होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ती गई और लोगों ने अनडेवलप्ड जो एक होने लगा, कॉलोनियों का डेवलपमेंट होने लगा, कॉलोनियाँ बनने लगी, उसकी वजह से ये क्षेत्र जो है मतलब ख़त्म हो गए, उसकी वजह से पानी जो है नहीं, मतलब नहीं निकल पा रहा है।